नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हमने चुनाव की तैयारियों व जीत के बाद नेताओं को जश्न मनाते हुए जरूर देखा होगा, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि आखिर कौन कराता होगा ये चुनाव? भारतीय निर्वाचन आयोग कैसे तैयार करता है इसकी तैयारी? क्या होती है इसकी संरचना? हमारे इस खास कार्यक्रम लोकतंत्र इतिहास के पन्नों से मैं आज देखिए निर्वाचन आयोग की संरचना पर यह खास रिपोर्ट। चुनाव कराने का जिम्मा भारतीय निर्वाचन आयोग के पास है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत में निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने वाली शीर्ष संस्था है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इस अनुच्छेद में संसद, राज्य विधानमंडल के साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भारतीय चुनाव आयोग ही करवाता है। निर्वाचन आयोग केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होने वाले चुनावों के लिए उत्तरदायी होता है। संविधान में निर्वाचन आयोग की संरचना। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलाकर बनता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एक से अधिक निर्वाचन आयुक्त होने की स्थिति में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन उसकी शक्तियाँ अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान ही होती है। निर्वाचन आयोग से सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति प्रादेशिक स्तर पर भी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं। हालांकि प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तें व उनके पद की अवधि राष्ट्रपति द्वारा ही तय की जाती है। आयोग द्वारा सभी मसलों पर बहुमत से निर्णय लिया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या 65 साल की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। राष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन आयुक्त को संविधान में वर्णित प्रक्रिया द्वारा ही उसके पद से हटा सकते हैं। निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ व कार्य। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है आयोग। योग्य मतदाताओं को करता है पंजीकृत। चुनाव कार्यक्रम को निर्धारित करता है आयोग। राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है आयोग। चुनाव चिन्ह प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों का दर्जा देता है आयोग। न्यायालय की भूमिका भी निभाता है निर्वाचन आयोग। चुनाव कार्य प्रणाली का भी निर्धारण करता है आयोग। चुनाव के सही समय की राष्ट्रपति को देता है सलाह। दूरदर्शन व रेडियो पर जागरूकता अभियान का निर्धारण, समय सीमा का निर्धारण करता है आयोग। 3 निर्वाचन आयुक्तों के अलावा निर्वाचन आयुक्तों को सहायता प्रदान करने के लिए उप निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं। इन अधिकारियों की नियुक्ति निर्वाचन आयोग स्वयं करता है। ये एक निश्चित कार्यकाल के लिए होती है। इसमें सिविल सेवकों को कार्य करने का अवसर दिया जाता है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। साथ ही प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर अधिष्ठाता की नियुक्ति की जाती है। राजनीतिक दलों के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने आयकर का भुगतान करें। ये कदम चुनावों में पैसे और ताकत के प्रयोग को कम करने के लिए उठाया जाता है। ये भी जरूरी कर दिया गया है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक शपथ पत्र जमा करना होगा, जिसमें उसके खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमों व संपत्ति से संबंधित जानकारी शामिल होगी। राजनीतिक दलों व चिन्हों को मान्यता प्रदान करना। निर्वाचन आयोग प्रत्येक राष्ट्रीय राजनीतिक दल को एक विशेष चिन्ह आवंटित करता है, जिसे राजनीतिक दल पूरे देश में प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह प्रत्येक राज्य स्तरीय दल को एक चिन्ह आवंटित किया जाता है, जिसे वो पूरे राज्य में प्रयोग कर सकता है। इन चिन्हों को आरक्षित चिन्ह कहा जाता है, जिन्हें कोई अन्य दल या प्रत्याशी प्रयोग नहीं कर सकता है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया को तो हमने जान लिया, लेकिन अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार किसने भारत में सबसे पहले मतदान किया होगा? भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव फरवरी 1952 में हुए थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के निवासियों को 5 महीने पहले अक्टूबर 1951 में ही मतदान करने का मौका दिया गया था। ऐसा कयास लगाया गया था कि ठंड के महीने में अत्यधिक हिमपात के कारण हिमाचल प्रदेश के निवासियों को मतदान केंद्र तक पहुंचने में दिक्कत होगी, जिसके कारण चुनाव को पहले ही संपन्न करा दिया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन्नौर विधानसभा क्षेत्र के कल्प नामक स्थान के एक निवासी ने भारत की आजादी के बाद से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक लगातार 16 बार मतदान किया है। ये व्यक्ति भारत के पहले मतदाता भी हैं। इस व्यक्ति का नाम श्याम शरण नेगी है। 2014 से श्याम शरण नेगी हिमाचल के चुनावी आइकन भी हैं। श्याम ने 25 अक्टूबर 1951 को पहली बार मतदान किया था,
जब उनके शहर किन्नौर में मतदान हुआ था। 106 वर्षीय इस मतदाता को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदिवासी क्षेत्र में चुनाव प्रचार का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसी स्कूल में मतदान किया गया जहां से वो 23 वर्षों की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बैलेट पेपर के माध्यम से घर से ही वोट डाल चुके थे। श्याम शरण नेगी ने देश के सभी मतदाताओं से हर बार चुनाव में वोट डालने की अपील भी की। रोचक बात यह है कि श्याम शरण नेगी ने फिल्म सनम रे में छोटी सी भूमिका भी निभाई थी। आपको बता दें कि पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का 5 नवंबर 2022 को कल्पा में निधन हो चुका है। भारत में सबसे पहले मतदान करने वाले व्यक्ति के बारे में हमने बात की। आइए अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारत में किस निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार चुनाव होते हैं। भारत में निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन भारतीय लोकतांत्रिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संवैधानिक प्रावधानों व संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के लिए निर्वाचन संपन्न कराए जाते हैं। संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारतीय निर्वाचन प्रणाली की रूपरेखा को दर्शाया गया है। लोकसभा के लिए निर्वाचन प्रक्रिया। लोकसभा का गठन वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से चुने गए जनप्रतिनिधियों से मिलकर होता है। संविधान के अनुसार इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से हो सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए नामित कर सकता है। राज्यसभा के लिए निर्वाचन प्रणाली। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। संसद के अनुसार सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 तक हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में निश्चित सीटें प्रदान की गई हैं। संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त 12 सदस्यों को राज्यसभा हेतु नामित कर सकता है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। इसका विघटन भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। चुनाव में जमानत जब्त। भारत को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक से चलाने के लिए सामान्यतः 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के पास कुछ जरूरी कागजात जैसे अपनी क्वालिफिकेशन, आय, वैवाहिक स्थिति आदि के बारे में डिटेल देनी होती है। इसके अलावा चुनाव में पर्चा भरते समय कुछ रुपए भी जमा करने पड़ते हैं, जिसे जमानत राशि कहते हैं। चुनाव में जमानत जब्त उस स्थिति में होती है जब कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 हिस्सा प्राप्त करने में नाकाम रहता है। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार के द्वारा चुनाव आयोग के पास जमा की गई जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र यानी लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपए की सिक्योरिटी राशि और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी विधानसभा सदस्य के लिए चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपए की राशि जमा करनी होती है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 158 में उम्मीदवारों द्वारा जमा की गई राशि के लौटाने के तरीकों के बारे में बताया गया है। इन्हीं तरीकों में एक तरीका है जो ये तय करता है कि किस प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त होगी। नियम ये है कि यदि किसी प्रत्याशी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल विधिमान्य मतों की संख्या के 1/6 या 1/6 से कम वोट मिलते हैं तो उसकी जमानत जब्त मान ली जाती है। अर्थात इस प्रत्याशी द्वारा चुनाव आयोग के पास जो 25,000 या 10,000 या कोई अन्य राशि जमा की गई थी वो उसको वापस नहीं मिलेगी, यानी जमा राशि आयोग की हो जाती है। इसे प्रत्याशी की जमानत जब्त होना कहा जाता है। जमानत राशि वापस होने के नियम। उम्मीदवारों की सूची में नहीं दिखाया गया नाम, नामांकन खारिज करने की स्थिति में, उम्मीदवारी वापस लेने की स्थिति में, उम्मीदवार मतदान शुरू होने से पहले मर गया हो या उम्मीदवार के चुनाव जीतने की स्थिति में, कुल वैध मतों में से 1/6 से अधिक प्राप्त करने पर। हमारे देश में ऐसे भी कई मामले आ चुके हैं जब व्यक्ति कुल मतों का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो भी उसे जीता हुआ माना जाता है क्योंकि उसने सबसे अधिक वोट प्राप्त किए होते हैं। ऐसी स्थिति में जमानत राशि वापस कर दी जाती है। इसके मायने देखें तो ये समझ आता है कि चुनाव आयोग देश में साफ सुथरे चुनाव कराने की दिशा में कई कदम उठाता है। इन्हीं में से एक उपाय चुनाव के पूर्व जमा कराई गई जमानत राशि होती है ताकि सीरियस उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकें। राजनीतिक पंडितों की माने तो चुनाव आयोग का ये कदम काफी मालूम नहीं जान पड़ता है,
जमानत की राशि बहुत कम है। ऐसे में कई ऐसे व्यक्ति जो जनबल तो रखते हैं पर राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहते हैं, वो अपना नामांकन तो कर देते हैं लेकिन अन्य पार्टी से पैसे ऐंठने के बाद अपना पर्चा वापस ले लेते हैं। निर्वाचन आयोग के इतनी मेहनत के बाद भी कई बार सरकारें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाती हैं। ऐसे में आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, राष्ट्रपति शासन। आखिर क्या मायने हैं इसके, ये कब लगाया जाता है? अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा किसी नामित अधिकारी को दे सकती है। जब संसद नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति शासन में होता है क्या? भारत में राष्ट्रपति को 3 धाराओं के तहत आपातकाल की घोषणा की शक्ति प्राप्त है। धारा 352 के तहत युद्ध या विदेशी आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में धारा 360 के तहत आर्थिक आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने या 1 साल की होती है। अगर राष्ट्रपति शासन को 1 साल पूरा होने के बाद भी आगे बढ़ाना होता है तो इसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होती है। चुनाव आयोग सहमति दे भी देता है तो राष्ट्रपति शासन 3 साल की अवधि से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रपति शासन के दौरान भी राज्यपाल राजनीतिक पार्टियों को बहुमत साबित करने के लिए न्योता दे सकते हैं। विधानसभा को भंग करने की स्थिति, राज्य में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिलने पर, पूर्ण बहुमत न मिलने पर विधानसभा भंग, राज्यपाल कर देता है विधानसभा को भंग, संविधान के नियमों का पालन न करने पर भंग। जब राज्य में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और अन्य दलों के नेता मिलकर सरकार नहीं बना पाते हैं तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि एक राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रहती है या सरकार संविधान के अनुसार बताए गए नियमों का पालन नहीं करती है तो उस राज्य का राज्यपाल इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है, जो कि केंद्रीय कैबिनेट की परामर्श के अनुसार राज्य में विधानसभा को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यदि राज्य में चल रही गठबंधन सरकार अल्पमत में आ जाती है, अन्य दलों के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल नए चुनाव कराने के उद्देश्य से राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। यदि विधानसभा चुनाव राज्य का विभाजन, बाहरी आक्रमण इत्यादि से स्थगित कर दिया गया है तो भी राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। यद्यपि राज्य विधानसभा के विघटन की शक्ति राज्यपाल के पास भी है, हालांकि राज्यपाल के इस निर्णय को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के अंदर अनुमति मिलना जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास विधानसभा भंग करने के खिलाफ अपील की जाती है और कोर्ट अपनी जांच में ये पता लगाता है कि राज्य विधानसभा को झूठे या अप्रासंगिक मुद्दे के आधार पर भंग किया गया है तो कोर्ट विधानसभा का भंग किया जाना रोक सकते हैं। इस प्रकार विधानसभा भंग करने का राष्ट्रपति का फैसला अंतिम निर्णय नहीं है और इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। 1994 से पहले राज्य असेंबली को भंग करने के तरीकों के बारे में व्यापक रूप से निंदा हुई थी। कई लोगों का मानना था कि केंद्र सरकार अपने हितों को पूरा करने के लिए अपने से अलग पार्टी की सरकारों को गैर वाजिब कारणों से हटा रही थी, इसलिए इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में उन कारणों की व्याख्या की जिनके आधार पर किसी राज्य की विधानसभा को भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के बाद विधानसभा की स्थिति, राष्ट्रपति शासन लागू करने के आदेश में विधानसभा को भंग करने या निलंबित रखने का उल्लेख होता है। भंग किए जाने की स्थिति में विधानसभा के पास कोई शक्ति नहीं होती और 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराने जरूरी होते हैं। राज्यपाल को लगता है कि राज्य में स्थिति बदल सकती है या सरकार बनाई जा सकती है तो वे विधानसभा को निलंबित करने की सिफारिश करते हैं। कैसे हटाया जाता है राष्ट्रपति शासन? विधानसभा निलंबित किए जाने पर राष्ट्रपति शासन कभी भी हटाया जा सकता है और विधानसभा अपनी मूल स्थिति में लौट सकती है, यानी 1 महीने या 2 महीने बाद जब भी कभी सरकार बनने की स्थिति बने तो राष्ट्रपति शासन हटाया जा सकता है। विधानसभा भंग हुई तो क्या? अगर राष्ट्रपति शासन के आदेश में विधानसभा भंग की जाती है तो फिर 6 महीने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन रहता है और इन 6 महीनों के अंदर अंदर राज्य में विधानसभा चुनाव कराने पड़ते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में हमने आपको निर्वाचन आयोग और उससे जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। आगे भी आपके सरोकार से जुड़े अन्य किस्सों के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और प्रमुख खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।